हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। ये देखो, मैं कुछ पौधे नए खरीद के लाया था नर्सरी से। मैं यूपी में गया था तो ऑन द वे मुझे एक नर्सरी मिली। उसमें से मैंने चेक किया, प्राइस वगैरह चेक किया, तो मुझे प्राइस बहुत अच्छे लगे उनके, तो मैंने कुछ पौधे वहाँ से ये बाय कर लिए, खरीद लिए। देखो कितने हेल्थी है पौधे। ये एक आम का पौधा लिया मैंने, ये 12 मासी आम है, और देखो कितना हेल्थी है। ये मुझे वहाँ से 250 में मिल गया। एक अंजीर का पौधा है, ये वाला अंजीर का पौधा है। देखो एक अंजीर भी लगी हुई है इसमें, तो ये भी मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया वहाँ से। ये है वाइट लिली, रेन लिली बोलते हैं इसको, ये मुझे 20 रुपीज़ में मिल गया वहाँ से। प्लस ये वाला जैस्मीन का पौधा है, इसमें फूल लगे हुए बहुत ही खुशबू दे रहे हैं, तो ये वाला मुझे 60 रुपीज़ में मिल गया वहाँ से। दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। मे बी यहाँ पे यही पौधा मे बी 200 रुपीज़ का या 150 का मिलेगा, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। मे बी इससे ज़्यादा ज़्यादा ही मिलेगा यहाँ से, मे बी 200-300 में। इसमें फूल भी बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखो नए नए बर्ड्स भी आ रहे हैं इसमें, कितने फूल भी खिले हुए थे इसमें, तो बहुत खुशबू है इनकी। तो मेरा था पहले वो ख़राब हो गया था, इसलिए फिर मैंने नया लिया है। और एक ये वाला और है, इसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो ये वाला भी मुझे 60 रुपीज़ में मिल गया। काफ़ी बड़ा पौधा है ये। ये देखो कितना बड़ा है ये वाला, ये मुझे 60 रुपीज़ में मिल गया है। ये बिल्कुल हेल्थी थे, मुझे 2 डे हो गए इनको लेके रखे हुए गाड़ी के अंदर ही, तब भी अच्छे हैं ये लोग। ये तो इनको मैं रिप लगाने लगा था, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और एक ग्रोवा का लिया मैंने, वो मैंने लगा दिया गमले में। ये देखो कितना हेल्थी है ये वाला, इसमें बर्ड्स आए हुए हैं। ये देखो ये चाइनीज ग्रोवा है, ये मैंने लगा दिया शाम को ही आज, तो इसकी कंडीशन अच्छी है। ये यहाँ पे मेरा बड़ा गमला पड़ा था, इसमें ही मैंने लगा दिया इसको। इसमें मेरी करेले की बेल भी जा रही है ऊपर, इसमें भी करेले लग रहे हैं। और ये मैंने इनके लिए मिट्टी बनाई है। अभी ये गमला, इस गमले में मैं आम का पौधा लगाऊंगा। ये देखो मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। ओके बाय फ्रेंड।